गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने एसटीपी की बात की थी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात की थी। आज के क्लास में हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे, बायोगैस और गोबर गैस जिसको बोलते हैं। हेडिंग होगा बायोगैस और गोबर गैस। किस तरह से बायोगैस या फिर गोबर गैस का प्रोडक्शन होता है। ये बायोगैस जो है ये कंबसिबल गैस है, प्रोड्यूस होती है थ्रू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है मेनली इंडिया में, ऑर्गेनिक वेस्ट में जो डंक वगैरह आता है वो चीज़ का यूज़ किया जाता है, या फिर प्लांट रेसिड्यू, फ्रूट्स रेसिड्यू, फ्लावर्स रेसिड्यू, इन सब का यूज़ किया जाता है बायोगैस या फिर गोबर गैस प्रोडक्शन में। मेनली गोबर का यूज़ किया जाता है, गोबर गैस, ओके, काउ डंक, एनिमल डंक यूज़ किया जाता है। ये क्या है, इट इज़ कंबसिबल गैस है। ये बायोगैस क्या है, कंबसिबल गैस है, इट इज़ कंबस्टेबल गैस। ये क्या है, कंबस्टेबल गैस है, प्रोड्यूस थ्रू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इट इज कंबसिबल गैस प्रोड्यूस थ्रू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट के ब्रेकडाउन से ये गोबर गैस तैयार होता है। गोबर गैस है ना, कंबस्टिबल गैस है, प्रोड्यूस थ्रू एनारोबिक ब्रेकडाउन, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, इसके वजह से होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के प्लांट का, है ना, फॉर्मेशन किया है। KBIC एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कंबसन कमीशन, और दूसरा है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड देन नेम। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है, KBIC, क्या है नाम इसका, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इस तरह से दूसरा जो है IARI, ये ऑर्गेनाइजेशन नेम है, क्या है फुल फॉर्म, इंडियन एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नाम है KBIC IARI, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, दूसरा क्या नाम है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दो नाम है। नेक्स्ट हम लोग अगर कंपोजिशन की बात करें तो बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं। इसमें मीथेन का अमाउंट 50%
मीथेन कितना परसेंट, 50 to 70% कहो, 50 to 70%। इसके अलावा जो गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 30 to 40% है ना कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जिसको बोलते हैं, ये सब मिला के कितना परसेंट है, 10%। नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड ये 10% बायोगैस का है, 10% बायोगैस का। रॉ मटेरियल में जो हम लोग यूज़ करते हैं बायोगैस गोबर गैस बनाने में, रॉ मटेरियल्स में एनिमल वेस्ट होता है, एक्वेटिक वीड्स होते हैं, ह्यूमन वेस्ट होता है, फॉरेस्ट रेसिड्यू होता है, क्रॉप रेसिड्यू होता है, ये सारी चीज़ें होती है। कंपोजिशन के बाद हम लोग रॉ मटेरियल्स को देखेंगे। रॉ मटेरियल ऑफ बायोगैस, क्या क्या रॉ मटेरियल्स होंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे रॉ मटेरियल्स में एनिमल वेस्ट को, एनिमल वेस्ट में क्या क्या होता है, कैटल का, बफेलो है ना, कैटल हो गया, बफेलो हो गया, कैटल बफेलो सीप वगैरह एंड गोट, इसके जो है वेस्ट पार्ट होता है गोबर जिसको बोलते हैं, कैटल बफेलो सीप गोट्स ये सारा, जिसमें रूमिनेंट है ना, इनके रूमिनेंट पार्ट्स को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एनिमल वेस्ट में सबके गोबर होते हैं, कैटल बफेलो सीप गोट्स। दूसरा जो है एक्वेटिक वीड्स का यूज़ किया जाता है, किसका, एक्वेटिक वीड्स का, एक्वेटिक वीड्स में इकोनिया इसका यूज़ किया जाता है, वाटर लेट्यूस पिस्टिया जिसको पिस्टिया बोलते हैं इसका यूज़ किया जाता है, डकवीड्स का यूज़ किया जाता है, डकवीड्स इसको हम लोग बोलते हैं लेम्मा या फिर उल्फिया, लेम्मा क्या बोलते हैं, लेम्ना उल्फिया, उल्फिया का सबसे बड़ा फ्लावर भी होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है कहाँ पे, बायोगैस गोबर गैस प्रोडक्शन में एक्वेटिक वीड्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक्वेटिक वीड्स में टेरिडोफाइट्स में सल्विनिया और ग्रीन अलगी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्या यूज़ किया जाता है टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में क्या क्या यूज़ किया जाता है, सल्विनिया, सल्विनिया के अलावा ग्रीन अलगी का भी यूज़ किया जाता है, ये सब यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इसके बाद ह्यूमन वेस्ट, जिसमें नाइट सॉइल आता है, ह्यूमन वेस्ट का यूज़ किया जाता है, ह्यूमन वेस्ट में नाइट सॉइल का यूज़ किया जाता है। ओके ये तो हो गया हमारा। फॉरेस्ट रेसिड्यू भी लिया जाता है, फॉरेस्ट रेसिड्यू, ये जो फॉरेस्ट रेसिड्यू होता है, फॉरेस्ट रेसिड्यू में क्या क्या लिया जाता है, बार्क लिया जाता है प्लांट का, रूट को लिया जाता है, ट्विग को लिया जाता है, ब्रांच को, लीव्स को लिया जाता है ना, क्या क्या होंगे, बार्क, रूट,
है ना, ट्विग को लिया जाता है, लीव्स को लिया जाता है, ओके ये सारी चीज़ें ली जाती है, छिलका बोलते हैं अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट को लिया जाता है, ट्विग और फिर लीव्स वगैरह को, प्लांट रेसिड्यू में ये सारे रेसिड्यू को लिया जाता है, फॉरेस्ट रेसिड्यू है ना, रूट बार्क ट्विग ये सब लिया जाता है, क्रॉप रेसिड्यू में सीड और स्ट्रो को लिया जाता है, सीड को लिया जाता है, उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रो को लिया जाता है, भुट्टा वगैरह होता है प्लांट का, क्रॉप का, उसको लिया जाता है बायोगैस प्रोडक्शन में, किसमें, रॉ मटेरियल्स फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, ओके। तो यहाँ पे जो एनारोब्स लिया जाता है, ऑब्लिगेट एनारोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स का यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिज्म का जो यूज़ किया जाता है एनारोबिक कंडीशंस में बायोगैस प्रोडक्शन की जाती है, जो डंक वगैरह होता है, काउ डंक है ना, एनिमल वेस्ट, एक्वेटिक वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, फॉरेस्ट रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू, इसका यूज़ किया जाता है, इसको डाइजेशन के लिए ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है, ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है, ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो ऑर्गेनिज्म में ऑब्लिगेट एनारोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स का यूज़ किया जाता है, ओके इसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है बायोगैस प्रोडक्शन और गोबर गैस प्रोडक्शन में, ऑर्गेनिज्म का कौन सा है, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव एनारोब्स का यूज़ किया जाता है, और फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट एनारोब्स में कौन कौन आता है, मेथेनोबैक्टीरियम आता है, मेथेनोबैक्टीरियम आता है, मेथेनोकोकस आता है, मेथेनोकोकस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया मेथेनोकोकस, मेथेनोथ्रिक्स आता है, मेथेनोथ्रिक्स आता है, उसके अलावा मेथेनोसर्सिनिया, मेथेनोसार्सिनिया, इस तरह के बैक्टीरिया आता है, ये सब मेथेनोजेंस है, क्या है, मेथेनोजेंस है, ये सारा मेथेनोजेंस है, ये सब क्या है, मेथेनोजेंस है ना। इसके अलावा बेसिलस सेल्यूमोनास है ना, सेंट्रोफोमोनास, उसके अलावा डेसल्फो विवडियो, ये सब भी क्या आता है, मेथेनोजेंस में आता है, बेसिलस, बेसिलस सेल्यूलोमोनास, सेल्यूलोमोनास, सेंट्रोफोमोनास, उसके अलावा डी सल्फो विवडियो, ये सारा मेथेनोजेंस में यूज़ किया जाता है, ये सारे क्या होते हैं, एनारोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेटअप देखेंगे बायोगैस का, सेटअप किस तरह से तैयार होता है और किस तरह से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, उसके साथ साथ और कोई मिक्सर गैस आता है या फिर नहीं होता है प्रोड्यूस, है ना, इसमें क्या क्या एसेंशियल रॉ मटेरियल्स और फिर किस तरह के सेटअप को प्रोड्यूस करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके थैंक यू।